सो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने पहले वीडियो बनाया था प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर, जिसमें मैंने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके बताए थे, तो चलो आज हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ क्वेश्चन दिए है। पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 का। तो इसमें जैसे दिया है 2/x - 3/y = 15 और 8/x + 5/y = 17 और 8/x + 5/y = 17। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले हम क्या करेंगे, इसको जैसे 2 1/x + पे माइनस है तो -3 1/y = 15। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेते हैं और फिर 8 1/x + 5 1/y = 17 इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन 2। तो अभी हमारा स्टेप नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, रिप्लेसिंग 1/x / 1/x / m and 1/y / n इन इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 में हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, 2m - 3n = 15। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। फिर 8m + 5n = 77, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4th बन जाएगा। अभी क्या करेंगे, जैसे कि हम देख सकते हैं इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर जो 3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/4। तो हमें क्या मिलेगा, 8m - 12n = 60। इसको हम इक्वेशन नंबर 5th मार्क कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम 4th। तो 4th इक्वेशन क्या है हमारा, 8m + 5n = 77 और हमारा इक्वेशन नंबर 4th तो लिख दिया, 5th क्या है हमारा, 8m - 12n = 60। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सबका साइन चेंज करना पड़ेगा, तो साइन चेंज कर देते हैं। अभी क्या करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका कुछ 0 आएगा और फिर इसका 12 + 5 कितना होता है, 17n और इसका भी क्या आएगा, 17n = कितना आएगा, 1। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्लेस करेंगे, प्लेसिंग n = 17 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, 2m - 3 = 15। तो इसका 2m हो जाएगा, इसका 3 = 15। 2m = 15 + 3 = 18 एंड बाय 2 तो इसका क्या आ जाएगा, 9। लेकिन बट m = 1/x, तो क्या करेंगे, देयरफॉर n = 1/x, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी,
1/9 मिल जाएगी। अभी हम n की बात करेंगे तो n में भी जिसे हमने रिप्लेस किया था 1/y से, देयरफॉर n की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, n की वैल्यू हमें 1 मिली है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 1 = 1/y करेंगे तो फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1 = 1। अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे तो इसमें भी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मार्क कर लिया है तो हम क्या करेंगे, प्लेसिंग 1/x + y / m कर देंगे इसको एंड 1/x - y / n कर देंगे। तो इन इक्वेशन 1 and 2 तो हमें क्या मिलेगा, इसका 10m + 2n = इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या मिलेगा, 15m - 5n = -2 इसको हम मार्क कर लेंगे इक्वेशन नंबर 4। अभी क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/5 and 4/2 वी गेट क्या मिलेगा हमको, 50m + 10n = 20 इसको हम इक्वेशन नंबर 5th मार्क कर लेते हैं। और 30m + इसका माइनस हो जाएगा, 30m - 10 = -4 इसको मिलेगा हमारा इक्वेशन नंबर 6th मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि +10 और -10 एडिंग इक्वेशन 5th and 6th, 5th और 6th को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 50m + 10n = 20 और 30m - 10n = -4 इसको क्या करेंगे, हम लोग प्लस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ऐसा क्या मिलेगा हमें, 80m = 16 और m = 16/80 लिखेंगे तो उसको बाद क्या आएगा इसका, 1/5। फिर इसको क्या करेंगे, प्लेसिंग लिखेंगे, प्लेसिंग m = 1/5 इन इक्वेशन नंबर 6 तो उसे क्या मिलेगा हमें, 30 1/5 - 10n = -4 इसका 6 हो जाएगा, -10n = -4 तो -10n = -4 - 6 साइड चेंज होगा तो इसका फिर क्या हो जाएगा, n = -10/-10 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या दिया है, बट m = क्या दिया है, x + y तो हम क्या करेंगे, 1/5 = 1/x + y अभी क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, x + y = 5 इसको हम इक्वेशन नंबर 7th मार्क कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 7th इसको मार्क कर लेंगे। फिर n की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1/x - y n की वैल्यू हमें 1 मिली है तो इसको हम 1 लिख देंगे, 1 मतलब 1/1 तो 1 ही होता है, = 1/x - y तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x - y = 1 इसको हम इक्वेशन नंबर 8th मार्क कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 8th मार्क कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 7th एंड 8th
सेवेंथ और एट्थ को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको 1 लिख लेते हैं। तो इसको प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल कर दे, इसका क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 6, x के लिए हमें कितनी मिलेगी 3। तो फिर क्या करेंगे, लिखेंगे प्लेसिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 8, इक्वेशन नंबर 8 में प्लेस करेंगे तो कैसा हो जाएगा 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसको माइनस वाई हो जाएगा, इसका माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, तो वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 2। फाइनली हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा क्या रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स की वैल्यू कितनी मिली है 3 और वाई की वैल्यू कितनी मिली है 2। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे दिया है कि 27 अपॉन एक्स माइनस 2 और 31 अपॉन एक्स वाई प्लस 3 इजक्वल टू माइनस 85, तो इसको भी हम क्या करेंगे, प्लेसिंग 1 अपॉन एक्स माइनस 2 बाय एम एंड 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 3 बाय एन, वी गेट दैट तो क्या इसका हो जाएगा 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेंगे और फिर 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, हम एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, वी गेट 20, तो हमें क्या मिलेगा इसका 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इज इक्वल टू इसका 89। इसको दोनों को करेंगे ऐड तो क्या मिलेगा इसका 58m प्लस 58m इज इक्वल टू 174। अभी क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग और दो इक्वेशंस बाय 58, वी गेट हमें क्या मिलेगा डिवाइड करने के बाद, एम प्लस एम इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 5th मार्क कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 3 फ्रॉम 4, तो हमें क्या मिलेगा 31m प्लस 27m इज इक्वल टू 89 और 27m प्लस 31n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका 85। तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले साइन चेंज कर लेते हैं इन सब का, तो क्या मिलेगा इसका 4m माइनस 4n इज इक्वल टू 4। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, डिवाइडिंग इक्वेशंस, अब वो इक्वेशन जो इक्वेशन हमें मिला था इक्वेशंस बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा m माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस, इसका इक्वेशन कौन सा हमें इक्वेशन नंबर 6 मार्क कर लेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एडिंग इक्वेशंस 5th एंड 6, तो क्या मिलेगा इसका m प्लस n इज इक्वल टू 3 और m माइनस n इज इक्वल टू
1, इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, इससे क्या मिलेगा 2m, 2m इसका 4, तो m का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, प्लेसिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशंस 6, तो क्या मिलेगा इसका 2 माइनस n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1, इसका भी क्या हो जाएगा माइनस 1 माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो इसका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा इसका माइनस 1 हो जाएगा, इसका माइनस n, n की कितना हो जाएगा 1, बट m इज इक्वल टू क्या दिया था हमें 1 अपॉन एक्स माइनस 2, देयर फॉर 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका मिलेगा हमें 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 1, फिर से 2 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1, तो इसका 2 एक्स रहेगा, माइनस 4 को साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा, प्लस 1 इधर पे तो प्लस एक्स इक्वल टू 5/2। वैसे ही अगर एन की बात करेंगे तो एन इज इक्वल टू क्या दिया था हमें वाई प्लस 3, देयरफॉर एन का हमें 1 मिला था तो इज इक्वल टू 1 एक्स प्लस वाई प्लस 3, तो क्या हो जाएगा इसका वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो y का क्या हो जाएगा 1, फिर इसका माइनस 3, तो y इज इक्वल टू 2, तो फाइनली हमें जो x और y की जो वैल्यू रहेगी हमें क्या मिलेगी, x का हमें कितना मिला था 5/2 और y का कितना मिला है माइनस। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, तो इसमें भी जैसे मतलब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मार्क कर लिया था क्वेश्चन के हिसाब से, तो इसमें भी हम चलो सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, प्लेसिंग 1/3x प्लस y बाय n एंड 1/3x माइनस y बाय इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फॉर सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा m प्लस n इज इक्वल टू 3/4। तो हम क्या करेंगे इसको, जो हमें इक्वेशन मिला है इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेते हैं। वैसे ही अगर अदर हैंड साइड देखेंगे तो इसका हमें क्या मिलेगा इस इक्वेशन का m अपॉन 2 माइनस n अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 8। तो अभी क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन मिला है इसको हम क्या करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 8 इंटू m by 2 minus 8 into n by 2 is equal to minus 1 हो जाएगा इसका, तो क्या मिलेगा इसको हमें 4m minus 4n is equal to minus 1, इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सा मार्क करेंगे 4th। तो अभी देख सकते हैं कि जैसे माइनस इधर पे माइनस 4n है, इधर पे प्लस 4n, तो हम क्या करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा ऐड करने के बाद 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका क्या बचेगा 8m इज इक्वल टू 2, फिर m इज इक्वल टू 2/8, तो क्या हो जाएगा 1 बाई इसका
4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्लेसिंग m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3 भी बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में हम करेंगे। तो क्या मिलेगा इक्वेशन 3 करने के बाद हमें 4 1/4 +4n इज इक्वल टू 3। तो इसका तो 1 + 4n इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, 4n 3 - 1 तो क्या अच्छे से देखो 2 हो जाएगा, 4n हो जाएगा इसका, n इज इक्वल टू 2/4 तो क्या मिलेगा इसका 1/2। फिर क्या करेंगे, लेकिन हमने क्या दिया था, बट m इज इक्वल टू कितना हमें 3x + y, तो फिर हम क्या करेंगे, m की वैल्यू हमें कितनी मिली थी 1/4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/3x + y। तो अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा हमें 3x + y इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर हम इसको 5th मार्क कर लेंगे। वैसे ही अगर n की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा 3x - y, इसको हमें क्या मिला था n की वैल्यू 1/2, तो 1/2 लिख देते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x - y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा इसका 3x - y इज इक्वल टू 2। इसको हम इक्वेशन 6 मार्क कर लेते हैं। अभी क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 5th and 6th दोनों को ऐड करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 3x + y = 4 और 3x - y = 2। इन दोनों को ऐड करने के बाद इसे क्या आ जाएगा 6x, इसका भी 6 हो जाएगा, x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी। अभी क्या करेंगे, इसको प्लेसिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 5, तो हमें क्या मिलेगा इसका 3 1 + y = 4। तो फिर इसका 3 क्या हो जाएगा, इसका 3, इसका y, इसका 4, तो y का हमें कितना मिलेगा 4 - 3 y = 1। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा, x, y = 1, 1।